I hope you all are fine. Today we will discuss mathematics topic fraction. First of all, we discuss what is fraction. It is a part of whole. When one whole part is divided into a number of equal parts, each part is called a fraction of the whole. मतलब अपने पास कोई भी चीज होगी, वो एक पार्ट है. अब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और उसमें से जो एक पार्ट होगा, इक्वल पार्ट में से एवरी पार्ट इज ए फ्रैक्शन. मतलब उसमें से आप जितने भी पार्ट यूज कर रहे हो ना, वही क्या होगा, फ्रैक्शन. जैसे अपने पास ले लीजिए एक चॉकलेट है. अब चॉकलेट को आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसका ये पार्ट भी एक फ्रैक्शन है, ये पार्ट भी एक फ्रैक्शन है. आपने अगर चॉकलेट को कितने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, उसमें से अगर इस पार्ट की मैं बात करूं तो ये कितना होगा, वन पार्ट. होल, होल कितने, अब ये जो होल था वो कितने, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, उसमें से ये जो इच पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन. तो मतलब ये पार्ट है वो होगा वन बाई टू, तो ये वन बाई टू क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया. इसी तरह ये भी एक पार्ट है ना, वो भी कितना हो गया, वन बाई टू, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया. अब जैसे मेरे पास ये कोई बॉक्स था, उसको मैंने ना नाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया. अब इस बॉक्स के में अगर ये दो पार्ट मैंने जैसे शेडेड कर लिए, ये इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया. अब होल पार्ट थे उसको आपने डिवाइडेड किया था नाइन पार्ट, उसमें से आपने शेडेड कितने किए, टू पार्ट, तो ये टू बाई नाइन क्या हो गया, इसका एक फ्रैक्शन हो गया. मतलब जब आप समथिंग अपॉन समथिंग लिखते हो ना, उसको कहते हैं फ्रैक्शन. अब ये फ्रैक्शन है वो किसी होल पार्ट का होता है, होल पार्ट को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर उसमें से आप कितने चूज कर रहे हो, तो ये हो गया एक फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में जो आप ऊपर की तरफ लिखते हो उसको तो बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं बार, ये होती है बार लाइन ये, और नीचे जो नंबर लिखते हो उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन आप लिख रहे हो ना, वो हो गए नंबर्स में. अब जैसे अपने पास नंबर्स और इन वर्ड्स इसको कैसे बोलेंगे, जैसे अपने पास एक कार, कार के आपने इक्वल पार्ट कर लिया, उसमें से एक पार्ट आपने शेडेड कर लिया, तो ये जो इस पार्ट को अगर नंबर में अपन लिखना चाहे तो आपने देखो एक पार्ट चूज किया, होल कितने थे, टू, तो इसको बोलते हैं हाफ. अब मैंने इसी कार्ड के फोर पार्ट कर दिए, ठीक है, इक्वल पार्ट कर लिए, उसमें से मैंने एक पार्ट शेडेड किया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वन फोर, मतलब टोटल कितने, फोर पार्ट, जो होल था वो डिवाइडेड कितने, फोर पार्ट, उसमें से शेडेड कितना हुआ, वन पार्ट, तो ये कितना हो गया, वन फोर्थ. सिमिलरली फोर पार्ट में डिवाइडेड किया होता, उसमें से अपन ने शेडेड कितना किए, थ्री पार्ट, तो ये हो गया थ्री फोर्थ, तो ये हो गया थ्री फोर्थ. तो इन वर्ड्स अपन कैसे लिखते हैं वो भी अपने को देखना है, और जो ऊपर अपन बार लाइन है उसके ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.